हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिमोनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, इसके ट्रेलर आ गया। विदित जमवाल एंड शिवालिका ओबेरॉय। दोस्तों, खुदा हाफिज पार्ट 1 जो कि OTT प्लेटफॉर्म पे 2020 में शायद रिलीज हुई थी दोस्तों, और आपको बता दूं कि उस मूवी में जो कहानी, जो कंटेंट थी कि उसकी वाइफ को किडनैप करके आउट ऑफ इंडिया ले जाता है और विदित जमवाल उनको ढूंढने में पूरी मूवी को निकाल देते हैं। और मूवी में एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे थे, इमोशनल थे, और बता दूं कि वो अपनी वाइफ को बचा लेती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम खुदा हाफिज चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें भी सेम टू सेम कंटेंट है, वही किडनैप वाली, जिसमें वहाँ पे उनकी वाइफ किडनैप की जाती है, यहाँ पे उनकी बेटी और साथ में एक और बच्ची है जो कि लखनऊ की रहने वाली रहती हैं, दोनों को किडनैप कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और वो बच्ची को ढूंढने में लग जाते हैं, ये ट्रेलर में दिखाया है दोस्तों। अगर हम एक्शन सीन्स की बात करें तो खुदा हाफिज पार्ट 1 में एक्शन जो था थोड़े कम थे, लेकिन पार्ट 2 में जो एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे हैं और ज़्यादा, क्योंकि 2 मिनट 2.5 मिनट के ट्रेलर में एक्शन सीन्स काफ़ी डाले गए हैं दोस्तों। विदित जमवाल जो कि उनको माना जाता है स्टंट किंग, जी हाँ दोस्तों, उनके जैसा स्टंट करता ही नहीं है कोई। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट OTT प्लेटफॉर्म पर, सेकेंड पार्ट बिग थिएटर में 8 जुलाई अगले महीने रिलीज होगी दोस्तों। दोस्तों, ट्रेलर बहुत अच्छा निकाला है, कोई कमी नहीं है, एक्शन है मूवी के अंदर, थ्रिलर है और सस्पेंस भी है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें वो अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, नंदिनी, उनकी बच्ची का नाम है नंदिनी। दोस्तों, बहुत खूबसूरत मूवी दिख रही है। जाहिर सी बात है यार, खुदा हाफिज जो पार्ट 1 काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, तो पार्ट 2 भी पसंद आएगी, बहुत अच्छी कॉन्टेंट दिख रही है दोस्तों। खैर, जो भी हो, 8 जुलाई को जब मूवी रिलीज होगी तो देखते हैं कि कितनी पावरफुल होती है दोस्तों। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, आप लोगों को कैसी लगी खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा, आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।